कहीं भी कभी भी आप प्रियजनों से बात कर सकते हैं। पहाड़, दुकान और शहर, हर कहीं खबरें, गाने सुन सकते हैं। बेतार इंटरनेट है जो दुनिया के अनदेखे कोनों से आपको जोड़ देता है, लेकिन आप उन तरंगों को देख नहीं सकते जो इस संचार को कामयाब बना रही हैं। दिखते हैं तो बस इनको लाने ले जाने वाले टावर और एंटीना। अगर इन तरंगों का आविष्कार न होता तो सोचिए कैसी होती हमारी आज की दुनिया। इन बेतार तरंगों को रेडियो तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों का आविष्कार एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इन तरंगों को समझने की दिशा में भारत के एक वैज्ञानिक का योगदान क्रांतिकारी रहा है। सबसे पहले रेडियो तरंगों को पैदा किया था जर्मनी के हाइनरिक हर्ट्ज ने। वहीं भारत के जगदीश चंद्र बसु का नाम इन किरणों के मूल गुणों की खोज और रिसीवर के विकास के लिए जाना जाता है। मेहर इंजीनियर एक रेडियो वैज्ञानिक हैं। उनके साथ हम चल रहे हैं एक प्रयोगशाला में यह देखने कि हर्ट्ज ने कैसे इन तरंगों को पहली बार खोजा था। हर्ट्ज का प्रयोग जटिल था। मानवेंद्र मैती ने इस प्रयोग को एक नए सरल तरीके से तैयार किया है ताकि इसके मूल सिद्धांत को समझा जा सके। कहानी शुरू होती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल से। मैक्सवेल ने सन 1860 में एक घोषणा की कि अगर बहुत सारा विद्युत आवेश एक साथ टूटे तो एक तरह की तरंगें पैदा होती हैं। यह अदृश्य होती हैं और इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। लोग तड़ित या आकाशीय बिजली से परिचित थे। यह तभी बनती है जब बादलों में बहुत सारा विद्युतीय आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और जब किसी क्षण वह एक साथ टूटकर धरती की ओर भागता है तो हमें बिजली की कौंध नजर आती है। विद्युत का स्पार्क इसी घटना का छोटा रूप है। दृश्य तरंगों की कल्पना बहुत आकर्षक थी। इसके मुताबिक एक बड़े स्पार्क से यह तरंगे पैदा होनी चाहिए, लेकिन इन्हें रिसीव या डिटेक्ट कर पाने का सवाल पेचीदा था। आखिर कैसे देखा जाए इन अदृश्य तरंगों को? 20 साल निकल गए, इन तरंगों को देख या रिसीव कर पाने का तरीका किसी को नहीं सूझा। कुछ तो मैक्सवेल के दावे पर ही संदेह करने लगे थे। सन 1887, जर्मनी में एक वैज्ञानिक मैक्सवेल के दावे को जांचने के लिए एक प्रयोग का निर्माण कर रहे थे। इनका नाम था हाइनरिक हर्ट्ज। 8 साल पहले इन्हीं हर्ट्ज को मैक्सवेल बहुत कठिन लगे थे। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, जर्मनी की बर्लिन विज्ञान अकादमी ने विद्युत की एक समस्या को सुलझाने के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की थी। मैंने शुरुआत तो इस पहेली को सुलझाने से ही की थी, और सन 1887 तक हर्ट्ज मैक्सवेल की ओर मुड़ चुके थे। वापस लौटते हैं मानवेंद्र की प्रयोगशाला में। विद्युत की तरंगों को पैदा करने के लिए है यहाँ एक हाई वोल्टेज जनरेटर। तारों के बीच का गैप जहाँ हाई वोल्टेज स्पार्क के रूप में टूटेगा। अदृश्य तरंगों को देखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक वैज्ञानिक उपकरण ऑसिलोस्कोप। यह उपकरण 2 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे पकड़ सकता है। पास में एक रेडियो ट्रांजिस्टर। यह स्पार्क में मौजूद उन तरंगों को पकड़ेगा जिन्हें हम सुन सकते हैं। और हमारे कैमरे में लगा है एक विशेष माइक्रोफोन जो 800 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को रिसीव करेगा। यह हाई वोल्टेज सेक्शन है, इसे न छुएं। यह EHT है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर। यह ट्रांसफॉर्मर 20 किलोवोल्ट तक का करंट पैदा करता है, तो इसे न छुएं। इसे छूना जानलेवा हो सकता है। चिंता न करो, मैं इसे नहीं छूऊंगा। इस हाई वोल्टेज का इस्तेमाल हम स्पार्क पैदा करने के लिए करेंगे। तारों के इस टर्मिनल के बीच हम 20 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 20 किलो वोल्ट? आप स्पार्क के रूप में एक तरह से बिजली का टूटना या लाइटनिंग को यहाँ बना रहे हैं। लाइटनिंग के केस में स्पार्क धरती की ओर भागता है, वोल्टेज धरती पर डिस्चार्ज होता है।
electrical voltage is getting discharged to the यहाँ आपके पास एक अर्थ पॉइंट है जो हमारी धरती का समतुल्य है और दूसरा पॉइंट बादल के रूप में है और डिस्चार्ज को हम यहाँ देखेंगे। तो स्पार्क बनाओ। हाँ, ज्यादा देर तक मैं स्पार्क को टिका नहीं सकता क्योंकि इससे अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। हाई वोल्टेज के टूटने से पैदा होता स्पार्क, क्या इससे अदृश्य तरंगें निकल रही हैं? स्क्रीन की हलचल बताती है कि उसे 2 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें मिल रही हैं। ट्रांजिस्टर की घरघराहट, यह भी भिन्न आवृत्तियों की तरंगें रिसीव कर रहा है। कैमरे का माइक्रोफोन, यह आवाज है 800 मेगाहर्ट्ज की तरंगों की। यह एक विद्युतीय इलेक्ट्रिकल स्पार्क है। स्पार्क कुछ नहीं, बस बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों का मिश्रण है जिसमें रेडियो, माइक्रोवेव, मिलीमीटर और दृश्य प्रकाश की तरंगें होती हैं। स्पार्क कई तरह की आवृत्तियों को एक साथ पैदा कर सकता है। आपने एक विद्युत सर्किट से वोल्टेज जनरेटर बना लिया, स्पार्क गैप आपके पास था और ट्रांजिस्टर ऑसिलोस्कोप के रूप में आपके पास रिसीवर भी है। जरा सोचिए कि सन 1880 और 90 में क्या उपलब्ध था। कुछ भी उपलब्ध नहीं था, बस इतना मालूम था कि कैसे हाई वोल्टेज पैदा किया जाता है, लेकिन तरंगों को कैसे रिसीव करना है। हर्ट्ज ने स्पार्क को ही पलटकर इस्तेमाल किया। अगर स्पार्क तरंगे पैदा कर सकता है तो यह तरंगे दोबारा फिर से स्पार्क बना सकती हैं। हर्ट्ज के प्रयोग का एक ग्राफिक रूपांतरण, हाई वोल्टेज का एक स्रोत स्पार्क गैप स्पार्क बनाने के लिए। हर्ट्ज ने सोचा कि अगर स्पार्क में अदृश्य तरंगे हैं तो वह दूर रखी सुचालक धातु की रिंग में आवेश पैदा करेंगी। अगर रिंग में एक छोटा सा गैप हो तो यह आवेश एक स्पार्क का निर्माण कर सकता है। हर्ट्ज की प्रयोगशाला का 125 साल पहले लिया गया एक दुर्लभ चित्र, हर्ट्ज का ओरिजिनल स्पार्क गैप, यह जर्मनी के एक संग्रहालय में रखा है। आकार में यह बहुत बड़ा था। इन छोटे स्पार्क गैप का इस्तेमाल किया गया था अदृश्य तरंगों के रिसीवर के रूप में। तरंगों को फोकस करने के लिए हर्ट्ज ने कई वर्ग मीटर के धातु के परावर्तक भी बनाए थे। कई दिनों की मेहनत के बाद हर्ट्ज एक स्पार्क से दूसरा स्पार्क पैदा करने में कामयाब रहे, जिसका अर्थ था कि बड़े स्पार्क से विद्युत या इलेक्ट्रिक की अदृश्य तरंगे निकली। हवा में बहकर उन्होंने छोटी सुचालक रिंग को आवेशित कर दिया और इस तरह हर्ट्ज ने मैक्सवेल की अदृश्य तरंगों की खोज की। लेकिन हर्ट्ज अपनी खोज को लेकर बहुत आशावादी नहीं थे। उनका मानना था कि यह किरणें किसी काम की नहीं हैं, यह तो बस सिद्ध करती हैं कि मास्टर मैक्सवेल सही थे कि ऐसी भी किरणें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग इन तरंगों में एक बड़ी संभावना देख रहे थे। कल्पना बेतार संचार की, अगर किसी तरह से इन तरंगों को नियंत्रित किया जा सके तो इनका इस्तेमाल बेतार टेलीफोन में, टेलीग्राफ में और न जाने कहां कहां हो सकता है। हर्ट्ज के काम से बहुत लोग प्रभावित थे, उनमें से एक भारत में भी थे। उनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। कोलकाता में स्थित है बसु विज्ञान मंदिर। सन 1917 में जगदीश चंद्र बसु ने इसे स्थापित किया था। इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप में बसु के ट्रांसमीटर और रिसीवर के एक डिजाइन को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बसु ने अपने एक प्रसिद्ध प्रयोग में इसी डिजाइन के ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया था। तरंगे तो हर्ट्ज ने खोज ली थी, लेकिन इनके गुणों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। बसु इनके गुणों की खोज करना चाहते थे। संस्थान के संग्रहालय में हमारी मुलाकात होती है शिवाजी राहा से, जो खुद भी रेडियो तरंगों पर काम करते हैं। मेरे लिए आज भी पहेली है कि कैसे उन्हें कैविटी बनाने का आइडिया सूझा, क्योंकि उनके काम का सारा राज इसी कैविटी में है। उन्हें यह आइडिया तो होगा ही कि स्पार्क कई तरह की तरंगे पैदा करता है और वह सिर्फ एक ही तरंग को आगे ले जाना चाहते थे, ना कि सभी को। हर्ट्ज ने 2 बातें स्थापित की, एक कि स्पार्क से अदृश्य तरंगें निकलती हैं
और दूसरा कि स्पार्क से कई आवृत्तियों की तरंगें एक साथ निकलती हैं। गुणों के अध्ययन के लिए जरूरी था कि सिर्फ एक ही आवृत्ति की तरंग को किसी तरह अलग किया जा सके। बसु 5 मिलीमीटर जैसी छोटी आवृत्ति की तरंगों को अलग करने में कामयाब हो गए थे। यह उसी तरह की तरंगें हैं जो हमारे सेलफोन में इस्तेमाल होती हैं। इन्हें माइक्रोवेव कहा जाता है। कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, सन 1894-95। जगदीश बसु इसी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। वे विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय थे। जब भी मौका लगता अपने लेक्चर के दौरान प्रयोग करके दिखाते। वे विज्ञान शिक्षा को भारत का भविष्य मानते थे। सन 1895 के शुरू में कॉलेज के एक छोटे से कमरे को उन्होंने प्रयोगशाला में बदला। अब वह सिर्फ इलेक्ट्रिक तरंगों पर शोध करना चाहते थे। बसु का पहला शोध पत्र मई 1895 में उन्होंने इसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को भेजा था। कहीं तो बसु ने शोध की शुरुआत ही की थी, लेकिन यह पत्र किसी सधे वैज्ञानिक की छवि प्रस्तुत करता है जो मानो सालों से इस दिशा में काम कर रहा हो। अक्टूबर 1895, अदृश्य तरंगों के अपने शोध से कोलकाता के लोगों को परिचित कराने का उन्होंने एक अनोखा तरीका सोचा। शहर का टाउन हॉल, बसु ने यहाँ एक प्रदर्शन की योजना बनाई। वह पहली बार दुनिया को अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर दिखाने वाले थे। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे एक विराट उद्देश्य भी था। आम लोगों के लिए विज्ञान उस दौर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। वह ब्रिटिश राज का जमाना था। ब्रिटिश लोगों ने यह बात उड़ा रखी थी कि भारतीय आधुनिक विज्ञान के लिए मुफीद नहीं है। वे अध्यात्मवादी हैं, तार्किक नहीं हैं, जो सिर्फ सपने देखते हैं। बसु इस धारणा को तोड़ना चाहते थे। वे जताना चाहते थे कि भारतीय भी आधुनिक विज्ञान कर सकते हैं। विज्ञान करने का निर्धारण इससे नहीं होता कि तुम भारतीय हो कि ब्रिटिश, कोई भी विज्ञान कर सकता है। टाउन हॉल लोगों से भरा था। कहते हैं वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। शायद ही किसी ने अदृश्य इलेक्ट्रिक तरंगों के बारे में सुना हो, जिन्हें कभी रेडियो तरंगे भी कहा जाता था। एक कोने में रखा था बसु का ट्रांसमीटर, रिसीवर दूसरे कोने में, दो दीवारों के पार। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच 77 फीट की दूरी थी। रिसीवर के साथ उन्होंने एक घंटी, रिवॉल्वर और बारूद लगा दिया। सब कुछ बहुत नाटकीय था। उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड मैकेंजी को ट्रांसमीटर शुरू करने के लिए बुलाया। मैकेंजी इस तरह खड़े हुए कि उनका शरीर ट्रांसमीटर में पैदा होने वाली तरंगों के रास्ते में आए। उन्होंने ट्रांसमीटर चालू किया। हल्की सी किर के साथ स्पार्क बना और तरंगे निकली जो उनके शरीर को भेदती हुई दीवारों को पार करती हुई रिसीवर पर पहुंची। गैल्वेनोमीटर की सुई ने उनके रिसीव होने का संकेत दिया। सर्किट पूरा होते ही घंटी बज उठी, रिवॉल्वर चल पड़ा और बारूद फट पड़ा। सारा का सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों के लिए यह नाटकीय था, लेकिन बसु ने इन तरंगों के एक बहुत बड़े गुण को उजागर कर दिया था कि शरीर दीवार भी इन तरंगों को रोक नहीं पाते। इन्हीं गुणों की वजह से आज हम और आप घर के भीतर, ऑफिस में सेलफोन का इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा कमाल था बसु का सेटअप, इतना छोटा और प्रभावकारी कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। इसमें कई खासियतें थीं। अगले दिन से बसु कोलकाता से लेकर लंदन तक अखबारों की सुर्खियों में थे। 1896 में लंदन के एक अखबार ने लिखा, अगर प्रोफेसर बसु अपना रिसीवर पेटेंट कराने में कामयाब हो जाते हैं तो समुद्र तट के कोने कोने में हम इन्हें लगा देख सकते हैं। इनसे दूर समुद्र में जहाजों से संपर्क हो सकता है। यह देन होगी एक बंगाली वैज्ञानिक की, जिसने अकेले ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के कमरे में काम करते हुए क्रांति ला दी। रेडियो तरंगों के काम के आधार पर सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की।
सन 1897 की शुरुआत में बसु लंदन गए प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी में अपने अनुसंधान पर लेक्चर देने। उस काल के लगभग सारे बड़े वैज्ञानिक उस सभा में मौजूद थे। बसु जैसे संवेदनशील रिसीवर उस काल में कोई और नहीं बना पाया था। वर्कशॉप में काम अंतिम चरणों में है। ट्रांसमीटर और रिसीवर का परीक्षण शुरू होने वाला है। बसु का ट्रांसमीटर हर्ट्ज की तुलना में यह बहुत छोटा था। इसमें भी एक स्पार्क के सहारे ही रेडियो तरंगे पैदा की जाती थीं। स्पार्क से कई आवृत्तियों की तरंगे एक साथ निकलती हैं। वह इनमें से सिर्फ एक ही आवृत्ति की तरंग को चुनकर आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने पाइप नुमा वेवगाइड की रचना की, जिसका सीधा मतलब है कि किसी तरंग को एक निर्धारित दिशा में आगे ले जाना। उन्होंने एक ट्यूब का इस्तेमाल किया। स्पार्क से पैदा तरंगें इससे होकर आगे बढ़ती थीं। इसे हम वेवगाइड सिद्धांत कहते हैं। यह विद्युत इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण आधार है। बसु के काल में वेवगाइड नहीं थी, इसी की वजह से एक छोटी आवृत्ति की तरंग को चुनकर वे आगे ले जा रहे थे। अगर कहें तो वेवगाइड का आकार और इसकी डिजाइन बसु को अपने समय के उपलब्ध ज्ञान से बहुत आगे खड़ा करती है। वेवगाइड का सीधा मतलब था तरंगों की भीड़ में से एक निर्धारित आवृत्ति की तरंग को चुनना और उसे निर्धारित दिशा में आगे ले जाना। इस तरह उन्होंने हर्ट्ज के अनियंत्रित स्पार्क को काबू में कर लिया था। आज भी वेवगाइड ट्रांसमीटर का एक जरूरी हिस्सा बना हुआ है। ट्रांसमीटर में इस विकास की वजह से बसु तय आवृत्ति के मुताबिक बिल्कुल सटीक रिसीवर बनाने में कामयाब थे। फिर तो एक एक करके उन्होंने तरह तरह के रिसीवर बना डाले। धातु की एक पतली पत्ती, यही है बसु का विश्वविख्यात पॉइंट कॉन्टैक्ट रिसीवर। इतना संवेदनशील कि हवा में बहती एक तरंग को भी पकड़ ले। रिसीवर चुंगी नुमा रचना में लगा होता। यह चुंगी तरंगों को पकड़कर रिसीवर की ओर मोड़ देती। आज ट्रांसमीटर और रिसीवर का परीक्षण का दिन है। ट्रांसमीटर और रिसीवर को बिल्कुल एक सीध में लाया जाता है। इसे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहते हैं। सेल फोन के ट्रांसमीटर और रिसीवर लाइन ऑफ साइट के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ट्रांसमीटर शुरू होता है। गैल्वेनोमीटर की सुई की थिरकन बताती है कि तरंगे रिसीव हो रही हैं। प्रारंभिक प्रयोग सफल रहे हैं, यानी काम ठीक दिशा में चल रहा है। सभी के लिए यह खुशी का मौका है। बसु के उपकरणों को पुनर्जीवित कर उन्होंने भारत के वैज्ञानिक योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने की दिशा में एक बड़ा योगदान दिया है। बसु ने अपनी खोज को किसी से नहीं छुपाया। बसु मानते थे कि ज्ञान बटना चाहिए, ना कि लाइसेंस या पेटेंट में कैद होना। सन 1901 में इटली के मार्कोनी ने समुद्र पार बेतार संदेश भेजकर रेडियो क्रांति की शुरुआत की। कहते हैं कि मार्कोनी के रिसीवर बसु की डिजाइन पर ही आधारित थे। 23 दिसंबर सन 1937 को जगदीश चंद्र बसु का देहांत हो गया। रेडियो संचार के क्षेत्र में हेनरिक हर्ट्ज को इन तरंगों का जनक माना जाता है और जगदीश चंद्र